आपका स्वागत है इस चैनल पे। द आर्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की कला, यह एक चाइनीज किताब है जो कि सन त्सू ने लिखी है। ये एक युद्ध नीति की किताब है, लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल कई क्षेत्रों में होने लगा है। तो चलिए देखते हैं द आर्ट ऑफ वॉर ऑफ सन त्सू, नहीं सन त्सू की युद्ध कला, दुनिया की सबसे पुरानी लश्करी नीति की किताब जो कि बहुत ही छोटे छोटे अध्याय में मिलकर बनी है। तो हम आज इसका पहला अध्याय देखने वाले हैं जो कि है योजना बनाना। सन त्सू कहते हैं कि हर राज्य के लिए युद्ध कला बहुत ही आवश्यक है। ये जिंदगी और मौत का सवाल है, एक ऐसा रास्ता जो आपकी हिफाजत करता है और आपके दुश्मन को किस तरह खत्म किया जा सकता है इसकी नसीहत भी देता है। इसीलिए इस विषय को हम टाल नहीं सकते। युद्ध कला यह 5 अटल घटकों से संचालित की जाती है। 1 नैतिक बद्धता, 2 स्वर्ग, 3 धरती या जमीन, 4 सेनापति, 5 अनुशासन और तरीका। नैतिक बद्धता यह प्रजा और सेना को राजा के प्रति एकमत्य करने के लिए कारणीभूत होती है, यानी जरूरत पड़ने पर लोग राजा के लिए अपनी जान देने से भी नहीं कतराते। स्वर्ग का मतलब यहाँ दिन और रात, सर्द और गर्मी, समय और मौसम से है, जो कि युद्ध नीति का ही एक भाग है। धरती और जमीन, जमीन का मतलब यहाँ पर दूरी और फासला, छोटा या बड़ा, खतरा या बचाव, खुला मैदान या फिर संकीर्ण घाटियां, और जिंदगी और मौत की संभावना से। सेनापति, सेनापति का मतलब यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जो सदाचारी है, युद्ध नीति का जानकार है, ईमानदार है, परोपकारी है, साहसी है और सख्त है। अनुशासन और तरीके, अनुशासन और तरीकों का मतलब है कि सैनिकों को उत्तम उपविभाग के साथ क्रमबद्ध करना, स्नातकों को अधिकारियों के बीच पद देना, जिन रास्तों से सेना के लिए खाना या हथियार आ रहे हो उन रास्तों की देखभाल करना और सेना के खर्चे पर नियंत्रण करना। हर सेनापति को इन 5 तत्वों की जानकारी होना आवश्यक है। जो इन्हें जानता है वह जीतेगा और जो नहीं वो हारेगा। इसीलिए जब 2 सेनाओं की तुलना की जाती है और अनुमान लगा जाता है कि कौन जीतेगा, तो हम पहले देखते हैं कि दोनों में से कौन सा राज्य नैतिक बद्धता से ज़्यादा प्रेरित है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि दोनों में से कौन सा सेनापति ज़्यादा क्षमता रखता है। तीसरी चीज देखते हैं कि युद्ध में किसको जमीन और स्वर्ग का फायदा है, यानी युद्ध मैदान में किसको स्थिति का, मौसम का फायदा है। चौथी चीज, दोनों में से किस तरफ अनुशासन का कठोर अनुकरण किया जा रहा है, यानी अनुशासन अच्छी तरह से चलाया जा रहा है। पांचवी चीज हम देखते हैं कि कौन सी सेना ज्यादा शक्तिशाली है सैन्य बल के हिसाब से। छठी चीज हम देखते हैं कि किस तरफ के अधिकारी और सैनिक ज्यादा प्रशिक्षित है। सातवीं चीज हम देखते हैं कि दोनों में से किस सेना में नियमित तौर पर इनाम और सजा दी जाती है, यानी अच्छा काम करने पर पुरस्कार और कानून तोड़ने पर दंड। सन त्सू कहते हैं कि इन 7 बातों को ध्यान में रखकर मैं बता सकता हूं कि कौन युद्ध जीतेगा। जिसको मेरी सलाह से लाभ हो रहा है वो अपनी सूझबूझ से परिस्थितियों और सामान्य नियमों से परे होकर खुद की मदद कर सकता है। हर किसी को परिस्थितियों के अनुकूल अपनी योजनाओं में बदलाव करना आवश्यक है। सारी युद्ध मुहिम छल और कपट पर आधारित है, इसीलिए जब आप हमला करने में सक्षम हो तो असक्षम दिखिए। सेना का इस्तेमाल करते समय शुरुआत में ढीलापन और आलसीपन दिखाना आवश्यक है, जिससे शत्रु हमें कमजोर समझ के कोई भूल कर सके। जब हम दुश्मन के नज़दीक हैं तो हमें दुश्मन को यकीन दिलाना पड़ता है कि हम उससे दूर हैं, और जब हम उससे दूर हैं तो हमें उसे विश्वास दिलाना पड़ता है कि हम उसके करीब हैं। शत्रु को लालच के जाल में फंसाइए, अपने राज्य में अव्यवस्था का नाटक कीजिए जिसे वह आक्रमण की एक संधि समझ ले और आप पर हमला कर दे, तब पूरी तैयारी के साथ उसे कुचल दीजिए। अगर शत्रु हर स्तर पर सुरक्षित है तो उसके लिए तैयार रहिए, अगर वो आपसे ज़्यादा ताकतवर है तो उसे टालिए।
अगर आपका शत्रु गुस्सेल स्वभाव का है तो उसे चिढ़ाइए, क्योंकि गुस्सा अक्सर गलती करवाता है। अपने आप को कमजोर दिखाइए जिससे उसमें घमंड पैदा हो और वो कोई भूल कर दे। अगर वो सुविधाजनक तरीके से हर काम कर रहा है तो उसे किसी प्रकार का आराम मत दीजिए, यानी शत्रु का कोई भी कार्य आसान मत बनाइए। अगर उसकी सेना एकत्रित है तो उसे अलग कीजिए। जहां शत्रु तैयार नहीं है उसी जगह हमला कीजिए। जिस जगह आपके आने की अपेक्षा ना हो वही प्रकट हो जाइए। युद्ध नीतियों और योजनाओं को पहले से ही सबको बता देना मूर्खता होती है। जो सेनापति ज्यादा लड़े या जीतता है वह युद्ध से पहले हर चीज का आकलन कर लेता है, और जो हार जाता है वह कम चीजों का आकलन करता है। संसु कहते हैं कि युद्ध से पहले हर चीज का आकलन और उसके हिसाब से बनाई गई योजना आपके लिए जीत के आसार बढ़ाती है। अगर आप भी हमारी तरह अपनी सोच का दायरा बढ़ाने में यकीन रखते हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।